हमारे बीच में आ चुके हैं और 5 साल जिस तरीके से आपने देखा कि 5 साल खेल के विभाग में राज्यवर्धन सिंह राठौर और इस वक्त हमारे पास हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूँगा उनका जो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ठीक है, नारेबाजी नारेबाजी अब नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे बीच में हैं और मैं चाहूँगा कि अब मंच पर आएं और पुरुषोत्तम सर भी आएं ताकि स्वागत करें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सबकी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि सवाल बहुत सारे हैं और कर्नल साहब से उन सवालों का वेलकम एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मंच पर पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जब जैसे ही इनकी एंट्री हुई कर्नल साहब की, माहौल अपने आप बिल्कुल नारेबाजी के साथ उनके समर्थन में दिखाई दिया। अब आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक करियर कैसा रहा है, एक छोटी सी एवी के जरिए फिर सवाल जवाब का सिलसिला माधुरी आगे बढ़ाएंगे। 29 जनवरी 1970 को राजस्थान के जैसलमेर में जन्मे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है। राठौड़ ने 2013 में बीजेपी ज्वाइन करते हुए राजनीति में कदम रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट से जीतकर संसद पहुंचे। मौजूदा वक्त में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। भारतीय सेना में कर्नल पद पर रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2005 में पद्मश्री से नवाजे गए कर्नल राठौड़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के अलावा कई सम्मानित पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। सेना में मेजर रहते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 1990 में सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राठौड़ बीजेपी को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रहे। लोकसभा चुनाव 2019 में फिर से बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से आपको प्रत्याशी बनाया। परिवार और दोस्तों के बीच चिल्ली नाम से पुकारे जाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का युवाओं में गजब का क्रेज है। आज चुनाव विमर्श के मंच पर बतौर गेस्ट मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो राठौड़ साहब इस वक्त हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं और सवालों जवाबों का सिलसिला मैं चाहूंगा आगे बढ़े। माधुरी, मैं आपको इनवाइट करूंगा ताकि औपचारिक तौर पर सारी चीजें आगे बढ़े। थैंक यू सो मच संजय। मैं एक बार फिर से आपको इस बात पर लाना चाहूँगी क्योंकि जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हूँ वो खेल में भी बड़ा नाम रहे, सेना में भी रहे, और सेना और खेल और उसके बाद राजनीति, तीनों ही चीज़ों में, सुन लीजिए आप पहले, तीनों ही चीज़ों में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ देर पहले जो इस मंच की गरिमा को बिगाड़ने की कोशिश थी, मैं चाहूँगी आप वो ना करें, क्योंकि जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो आपके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सबसे बड़ा उदाहरण है और अनुशासन के साथ ही इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और राठौड़ साहब ने इतने व्यस्त वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सर, जैसा मैंने जिक्र किया, चाहे खेल हो, सेना हो या अब राजनीति हो, आपकी सक्रियता पर हमेशा विरोधियों की नज़र रहती है क्योंकि आप हमेशा अपने आप को मेंटेन रखते हुए, उस एलिगेंस को मेंटेन रखते हुए, राजनीति के स्तर को मेंटेन रखते हुए सक्रिय रहते हैं। इस बार जयपुर ग्रामीण सीट की मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आपके सामने उतारा है। दो खिलाड़ी आमने सामने हैं लेकिन मैदान चुनाव का है। इस बार जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? आपने सक्रियता की बात करी
देखिए ऐसा है कि जीवन में वो जीवन ही क्या जो लोगों के साथ मिलता नहीं हो और जो एक्टिव नहीं हो। जहाँ तक बात रही अभी हमारे प्रतिद्वंद्वी की, देखिए हमारे सबसे बड़ी जो हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी हैं वो है एक मानसिकता जो इस देश को बांटना चाहती है, एक ऐसी मानसिकता जो तुष्टिकरण करना चाहती है, एक ऐसी मानसिकता जो परिवारवाद में विश्वास रखती है, एक ऐसी मानसिकता जिसने देश को इतने सालों तक, आवाज़ नहीं आ रही पीछे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसकी, इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा। मैं कह रहा था कि एक ऐसी मानसिकता जो तुष्टिकरण करती है, परिवारवाद करती है, देश को बांटती है, हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता से है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त, उन्हें कांग्रेस से ऐसे कोई परहेज नहीं है, दिक्कत यह है कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है जो देश को कमजोर रखती है और देश के अंदर जो इनहेरेंट जो ताकत है, जो देश की अंदरूनी ताकत है, उसको निखार के कभी ऊपर नहीं लाई। सालों साल हो गए, तो हमारे अपोजिशन में ये मानसिकता है, उस मानसिकता को भले ही कोई भी आकर उसका प्रतिनिधित्व करे उससे मतलब नहीं है, ऐसी मानसिकता को आज देश परास्त करके रहेगा। हम पुरानी राजनीति में कतई नहीं जाएंगे, आज एक नए भारत की नई राजनीति शुरू हो रही है और नई राजनीति को हम आगे बढ़ाएंगे। राठौर साहब के काम के तरीके को सब जानते हैं, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों पर नज़र रखते हैं। इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव राजस्थान में बीजेपी के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है या नहीं, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव अभी हमने देखे हैं, यहाँ सत्ता बदली है, लोकसभा में असर पड़ेगा। देखिए बार बार जब प्रश्न होता है तो हमेशा ये बात होती है कि साहब 6 महीने पहले या 5 महीने पहले ये चुनाव रहे और उसमें ये नतीजा रहा। मैं आपको बतलाता हूं कि उस समय भी जो हम जनता से सुनते थे, कांग्रेस जाती थी वोट मांगने के लिए और कहती थी 2019 में किसी को भी दे देना, 2018 में हमें दे दो। वो 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस को या हमारी विपक्ष को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी गहरी पकड़ है, कितने गहरे वहां लोगों के दिल में वो बस समा गए हैं। एजेंडा बिल्कुल अलग था और सब, आजकल वोटर भी बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि देश का चुनाव कितनी अहमियत रखता है। और वापस अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कितनी ही चर्चा हो रही थी कि साहब कैसा मैसिव स्वीप होने वाला है, 1.5 लाख, मात्र 1,80,000 पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट मार्जिन में फर्क था वो मात्र 1,80,000 का था। 2014 में मेरे को खुद को ही 3.5 लाख की लीड मिली थी, आप समझ सकते हैं कितना वोट। आज जब हम गांव गांव में जा रहे हैं, मैं तो प्रचार करते हुए बीच में यहां पर आया हूं आपके कार्यक्रम में, सब गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छा बहुत शानदार माहौल है और सब कह रहे हैं, और इंक्लूडिंग कांग्रेस के कार्यकर्ता, और सही भी है, आखिर वो भी, उनमें भी देशभक्ति है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं नहीं, सही, देखिए सही बात है। क्या होता है कि किसी कारणवश वो कांग्रेस से जुड़े और कई सालों तक जुड़े रहे, उस समय कोई विकल्प नहीं था, भाजपा उस समय नहीं थी, तो अब उनको समझ नहीं आता कि इतने सालों से कांग्रेस को देते आए हैं, अब कैसे पार्टी कैसे शिफ्ट करें, लेकिन मन बनाते हैं और फिर देखते हैं मोदी जी आ रहे हैं तो फिर देशभक्ति के कारण बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। वो भी कहते हैं, मतलब सब शिकायत करेंगे इधर उधर की, फिर कहते हैं मोदी तो आएगा ही, तो मोदी आ रहा है। आपने बात देशभक्ति की कही, इसलिए मैं सवाल जोड़ देती हूँ। बीजेपी के केंद्र में सवाल, मतलब जो चुनाव का केंद्र है वो राष्ट्रवाद है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के इस राष्ट्रवाद को पचा क्यों नहीं पाते? सिर्फ लीडर्स, ये जो आपने बात कही कि विपक्ष या कांग्रेस राष्ट्रवाद को पचा क्यों नहीं पा रही, सिर्फ जिस लीडर्स, राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं वो लोग हमेशा उस पर आपत्ति जताते हैं। हाँ, ये सिर्फ लीडर्स की, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है,
वहीं तक ये बात सीमित है, नीचे नहीं जाती। देखिए, हम बचपन से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब की हम कहानियां पढ़ते हुए आते हैं बचपन से। क्या सिखाती हैं ये कहानियां? यही सिखाती हैं कि हम उनकी तरह बने, राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्रवाद तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो हम जातिवाद क्यों करेंगे? जातिवाद कभी पढ़ा क्या क्लास में? हमने कभी नहीं पढ़ा। तो कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आ रही है, इनकी स्ट्रैटेजी है। हर एक की स्ट्रैटेजी होती है, उनकी स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, अंग्रेज चले गए, वो एक किताब छोड़ के गए थे, उस किताब में वो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया नेहरू जी को, तो उस किताब में हर पन्ने में यही लिखा है देश को राज कैसे करना है। उसमें लिखा है कि इनको बांटो और इन पर राज करो। तो राहुल गांधी जी जब भी परेशानी में होते हैं, वो उस किताब को खोलते हैं, कोई भी पन्ना खोलते हैं, उसमें उस पर हर पन्ने में यही लिखा हुआ है कि इनको जातिवाद करिए, जात में बांटिए, इनको वर्गों में बांटिए, समाज में बांटिए, इनको भाषा में बांटिए, किसी भी तरह बांट दीजिए। क्योंकि क्या है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करना आसान बात नहीं है। मुझसे पूछिए ना, हम काम कर रहे हैं, ऐसे निचोड़ रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना आसान नहीं है। बड़े कड़क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, गन्ने की मशीन में जैसे गन्ने को डालते हैं ना, वैसे सभी मंत्रियों को डाला जाता है उसके अंदर, ताकि काम निकले, काम कराना है उनको। तो आसान काम नहीं है 130 करोड़ का। अब 130 करोड़ को आप बांट दें, बांट के आप ले आइए करीब 20-25 करोड़ पे, तो आसान हो गया ना पहली बात। तो उसके बाद जो 20 करोड़ है उसमें कुछ ठेकेदार ढूंढ लीजिए, जो वोट के ठेकेदार हैं, 10-15 लाख हो गए। तो ऐसे करके देश को रखा जाता था, वहां तक सुविधाएं पहुंचती नहीं थी, सुविधाएं कुछ लोगों तक सीमित रहती थी, ये फर्क है। तो फिर विपक्षी हर बार आप या आपकी पार्टी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप क्यों लगाती रही? आप प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर आपने ध्यान से सुना हो, आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप तो वो लगाएंगे ही, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनसे पछ ही नहीं रहा। पिछले 5 साल के अंदर पूरे देश में कहीं संप्रदाय की एक्टिविटी हुई क्या? कहीं पे भी नहीं हुई। जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश के अंदर, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश के अंदर, कहीं पे भी कोई भी संप्रदाय, कोई भी ऐसी कोई वॉयलेंस कहीं पे भी नहीं होगा। आप नारेबाजी नहीं करिए, मैंने शुरुआत की थी क्योंकि सर खुद अनुशासन में बहुत बिलीव करते हैं और मुझे पता है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, इसलिए उनके सामने आप भी डिसिप्लिन्ड रहिए। सर, हम थोड़े बड़े मुद्दों पर आते हैं सेंट्रल, क्योंकि आप खुद सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लोग संकल्प पत्र के संकल्प पर क्यों भरोसा करेंगे? उसमें धारा 370 भी है, उसमें राम मंदिर भी है, और इधर न्याय पत्र में राहुल गांधी जी न्याय योजना लेकर आ रहे 72,000 की। देखिए, सबसे पहले तो आप 60 साल तक इस देश के ऊपर राज करने के बाद में आप बोलते हैं, मतलब किसने स्लोगन बनाया था? थोड़ा सोच ही लेते, थोड़ा हमसे ही पूछ लेते, अब होगा न्याय, मतलब अब होगा न्याय? अरे भैया, अब तक क्या कर रहे थे कि अब होगा न्याय? तो ऐसा है कि अगर मैं खिलाड़ी हूं, यहां पे और भी खिलाड़ी होंगे, सुनने वालों में भी खिलाड़ी होंगे, चलो इसको खेल से तुलना करते हैं। 60 साल तक प्रैक्टिस मैच ही करते रहे थे क्या जो अब मैच खेलना चाहते हो? हाँ, तो जरूरी ये है। अच्छा, इसके अंदर न्याय वाला भी देख लेते हैं। कांग्रेस राजनीतिक चर्चा से बाहर हो चुकी थी, और अगर विपक्ष का चर्चा होती थी देश में, विपक्ष की चर्चा होती थी, तो उसमें मायावती जी का नाम आता था, ममता दीदी का नाम आता था, चंद्रबाबू नायडू जी का नाम आता था, फिर कहीं राहुल गांधी का नाम आता था। तो जब चर्चा में एक ऐसी पार्टी जो देश में एक समय में सबसे बड़ी पार्टी होती थी, चर्चा में चौथे पांचवें स्थान पर चले गई, तो चिंता की बात है ना, तो उनके लिए चिंता की बात थी। तो किसी ने कहा, साहब ऐसा कुछ करिए कि धमाका हो जाए। तो उन्होंने कहा, धमाका कैसे करें? उन्होंने बोला, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सत्ता में तो आना नहीं है, उसका 12 गुना कर दो। तो सीधे की सीधे उन्होंने बोला 72,000 करोड़। अब वो 72,000 भी, वो हर भाषण में उनकी फिगर चेंज होती रहती है, वो कभी 72,000 बोलते हैं, कभी 25,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 72,000 करोड़ बोलते हैं, सब शिफ्ट हो रहती है। उनकी स्पोक्सपर्सन का भी क्लियर नहीं है। स्पोक्सपर्सन कभी बोलते हैं कि साहब हम टॉपअप करेंगे, पता कैसे करोगे कि आमदनी किसकी है, किसकी कितनी है? कोई बोलता है साहब हम टॉपअप करेंगे, कोई बोलता है हम टॉपअप नहीं, हम सबको देंगे। तो क्लैरिटी नहीं है। और ये पैसा करीबन किसी ने आकलन करके बताया 3.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? ये या तो आप सारी पेंशन बंद कर दो, सारी स्कॉलरशिप्स बंद कर दो, ये सारा जो भी पैसा जा रहा है इसको बंद कर दो, तो हो सकता है हो जाए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज की तारीख में
118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास 400 योजनाओं का पैसा जा रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से, तो बड़ी मात्रा में पैसा जा रहा है, हम पहले ही दे रहे हैं, लेकिन आप उसको रोक कर उसका नाम चेंज करना चाहते हो और नाम चेंज करके देना चाहते हो, तो ये जनता नहीं मानेगी। और प्रॉमिस, ये जो वादा कर रहे हैं, इस वादे ये मेरे में इतनी एनर्जी कहां से आ गई एकदम से? थोड़ी आवाज को कंट्रोल कर लो भैया। जो अभी वादा करा इन्होंने 72,000 का, वो किसके बाद करा? सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि हम ऋण माफ करेंगे। अब मैं गांव-गांव चला गया हूं, मेरे को किसानों ने बोला कि साहब हमने भी होशियारी करी। सुनो, बोले किसानों ने बोला हमने भी होशियारी करी, कांग्रेस ने कहा ऋण माफ करेंगे, तो हमने कहा हम भी होशियारी करते हैं, हमने ब्याज देना छोड़ दिया। भाई ऋण माफ हो रहा है तो ब्याज किस लिए देना? वो आज की तारीख में ये हुआ, ऋण तो वहीं के वहीं है, ब्याज पे पेनल्टी और लगने लग गई हमारी, तो ऋण माफ किसी का नहीं हुआ। अभी 3 किसानों की 2 दिन पहले शाहपुरा के देवनपुरा गांव के अंदर 3 किसानों की जमीन की नीलामी के ऑर्डर आए हैं राजस्थान सरकार से, और कारण है कि उन्होंने ऋण चुकाया नहीं है। आप देख लीजिए, मतलब ये दोगलापन देखिए, सुन बैठिए, अरे मिलेगा आपको मौका, एक मिनट सर को कंप्लीट करने दीजिए। ये दोगलापन देखिए आप, ऋण माफी की बात हुई, राजस्थान सरकार ने ऋण माफी की बात करी, और अभी शाहपुरा के अंदर आप 3 किसानों का 3 किसानों की नीलामी हो रही है जमीन की, उनकी जमीन की नीलामी हो रही है, वो नीलामी हो रही है, और यहाँ पर आप सर को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आपका माइक पिक कर रहा है, ऐसा है, इसीलिए माइक में एनर्जी बहुत है, कोई चिंता बात नहीं है, बॉस में भी एनर्जी बहुत है। सो 3 किसानों की जो जमीन है उसकी नीलामी हो रही है, 3 दिन पहले आदेश निकले हैं राजस्थान सरकार के, SDM से साइन। मैंने जब पहले देखा व्हाट्सएप पर आया, मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने TV को भी यही बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ ये खबर गलत है, लेकिन पता करो तो खबर बिल्कुल सही है। मतलब एक तरफ तो आप ऋण माफी की बात कर रहे हैं, और यहाँ ऋण माफी नहीं, नीलामी कर रहे हैं आप, एक वो बात हुई। आपने 3,500 भत्ते की बात करी कि 3,500 भत्ता देंगे नौजवानों को, नौजवान तो सारे इंतजार कर रहे हैं, आज की तारीख में 3-4 महीने निकल गए, एक के भी 3,500 भत्ता नहीं मिला उनको। और तो और मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जितने भी किसान हैं उनको 6,000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जाएगी, किसान सम्मान निधि जाएगी। मार्च में 2,000 रुपए जाने थे, पूरे देश के अंदर 2,000 रुपए चले गए, उसकी चर्चा है, मार्च में 2,000 रुपए जाने थे सारे किसानों के पास, पूरे देश के अंदर 2,000 रुपए चले गए, लेकिन राजस्थान सरकार ने 30,00,000 किसानों के आवेदन पत्र आए थे, 30,00,000 किसानों के, वो 30,00,000 किसानों के आवेदन पत्र को रख लिया, सिर्फ इसी कारण से कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पैसा किसानों के पास जिस चुनाव से पहले नहीं पहुंचा है। आप देखिए, किसानों का नुकसान भी करेंगे, किसानों का अपमान भी करेंगे। यही नहीं, मैं आपको ये बात भी बताता हूं, जो नौजवानों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण लेकर आए, पुराने आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाया, नए आरक्षण लेकर आए 10%। यहां पर नौजवानों ने कहा, मेरे पास आए 20-30 नौजवान, मेरे पास आए, आकर उन्होंने बोला कि साहब मेरे पास तो हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वहाँ रेलवे की भर्ती हो रही है और ये हमारे को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अब राज्य सरकार ही तो देगी ना सर्टिफिकेट, कोई ना कोई तो देगा, तो राज्य सरकार इकोनॉमिक, आप चिंता मत करिए, हेलो मैं हूँ ना, आप देखिए, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, कम से कम आप अपने डायस उस पर बैठे मेहमान की तो शालीनता से बात सुन लीजिए। अरे आप चिंता मत करिए, मैं संसद में, ऐसा है कि राजनीति में आकर ये मेरी चमड़ी मोटी हो गई है, मैं ऐसा फौजी हूँ जो ये सब सामना बड़े आसान से कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यहाँ कांग्रेस वाले बैठे हैं, कि ये जो माइक है, ये माइक सिर्फ मेरी आवाज पकड़ रहा है, आप किसी की आवाज नहीं पकड़ रहा, आप चिल्लाते रहिए, मैं अपनी बात दमखम से यहाँ पर रखता रहूंगा, आप मेरी बात सुनिए, पूरा सॉलिड जा रहा है बिल्कुल, क्या बात है। देखिए सर जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों को सुन रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाइए, शालीनता से सुनिए, ये मेरा निवेदन है। अपना सब इंटरव्यू चल रहा है ना, ये लाइव चल रहा है ना, हाँ ये लाइव चलने दीजिए ना, मेरी आवाज आ रही है, चिंता की बात ही नहीं है, माइक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये उत्साह आपके लिए भी है, इसमें उत्साह आपके लिए भी है, ये उत्साह बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। 2019 में ऐसे कौन से मुद्दे हैं
जिन पर आपकी नजर और पकड़ अभी तक सबसे ज्यादा है? देखिए, आपने पिछली बार जो घोषणा पत्र की बात करी, असल में वो उत्तर में पूरा दे नहीं पाया। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक पार्टी है, आपके तराजू है, एक तराजू में एक पार्टी है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है। एक पार्टी कहती है कि हम कश्मीर से 370 धारा हटने नहीं देंगे, मतलब कश्मीर की जो मूल समस्या है वो 370 है, और वो पार्टी कहती है 370 हटने नहीं देंगे सिर्फ इसीलिए कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति था जिसने 370 वहां पर लेकर आया। हम कहते हैं हम 370 हटा के रहेंगे क्योंकि हम देश में उस कश्मीर को पूरा का पूरा शामिल करके रहेंगे। एक पार्टी है जो कहती है हम कश्मीर से जो सेना है हम सेना को हटाएंगे। हम कहते हैं कि हम सेना नहीं, हम आतंकवाद को हटाएंगे कश्मीर से। सेना जो हमारे लिए लड़ती है, हमारे लिए सेना लड़ती है, वो एक जब जाती है उसके पास पुलिस के अधिकार नहीं है सेना के पास, लेकिन जब वहां जाती है तो उसको खास अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो आतंकवादियों से लड़ सके। उसको एक कवच पहनाया जाता है ताकि एक सिपाही एक फौजी वहां जाकर सामना कर सके। एक पार्टी कहती है कि हम उस कवच को कमजोर कर देंगे। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप आतंकवाद को साथ दे रहे हैं या आप भारत की सेना के साथ हैं? फर्क आप देखिए। 35A, हम कहते हैं हम 35A को हटाएंगे, ये बोलते हैं हम 35A को हटने नहीं देंगे। आप बात करते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसकी पीठ थपथपाने कौन पहुंचा था? इस पार्टी का अध्यक्ष वहां पे पहुंचा था थपथपाने के लिए। मैं आज बात करता हूं इनके पार्टी के लोग, जरा एक बार अपनी गरेबान के अंदर झांक के तो देखें, अपने गरेबान के अंदर झांक के देखें। इस देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ देश को जोड़ने वाली पार्टी है और एक तरफ देश को तोड़ने वाली पार्टी है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक जब हुई तो उस पर सबूत मांगे गए, उस पर लगता है कि जो जवाब मोदी जी की सरकार ने दिया था उससे लोग उनसे और ज्यादा जुड़ गए। देखिए बात ऐसी है, मैं बताता हूँ, जब मैं कश्मीर में था हम वहां दिन रात आतंकियों से सामना करते थे, हर रोज फायरिंग होती थी, हर रोज कोई ना कोई घायल होता था, वहां पर आतंकियों को मारते थे। जब अखबार में एक जवान पढ़ता है, अखबार उस समय सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में जब कोई जवान पढ़ता है और उसमें देखता है, मेरे को बोलते थे साहब हमारे तो कश्मीर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, हम यहाँ अपनी जान पे खेल रहे हैं और पूरे अखबार में कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता, हमने कल आतंकवादियों का सफाया करा, कुछ लिखा हुआ नहीं आया। उनको समझाना पड़ता था कि क्यों इसके अंदर खबर नहीं आ रही। उनको लगता था हम देश का अगर मान सम्मान और देश की हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे बारे में लिखा होना चाहिए, मनोबल टूटता है। अब यहाँ नेगेटिव न्यूज, वो तो ये है कि न्यूज ही नहीं आ रही, उसमें भी उनका मनोबल टूट रहा था, यहाँ तो नेगेटिव न्यूज आ रही है। वहां पर कश्मीर बालाकोट के अंदर बम गिराने, बालाकोट के अंदर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक मिनट, बालाकोट के अंदर जो बम गिराने गए, बालाकोट में जो बम गिराने गए वो भारत की सेना गई या भाजपा के कार्यकर्ता गए थे जो आप सबूत मांग रहे हो? भारत की सेना। हाँ, वह भारत की सेना बम गिराने गई है, आप भारत की सेना से सबूत मांग रहे हो? अच्छा पहले दिन क्या हुआ इनके देखिए, पहले दिन जैसे ही हमला हुआ इन सबके हौसले उड़ गए, किसके? कांग्रेस के, कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे हाथ से चुनाव निकल गया, इनके हौसले एकदम उड़ गए। इन्होंने देखा अब क्या करें, इन्होंने तुरंत ट्वीट करा, ट्वीट करके बोला हम सेना के साथ हैं। जब सेना के साथ हैं तो दो दिन बाद सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप हा? आपने फिर आप सेना के साथ हो कैसे? तो यही तो बात है, आप सवाल सेना से पूछ रहे हो। सर आप सर की आवाज तो मत दबाइए। नहीं, मेरी आवाज नहीं दब रही, आप बात करिए, आप शालीनता से सुन लीजिए, शालीनता थोड़ी बना के रखिए। अरे आप सवाल पूछिए ना मुझसे, चिंता मत करिए। ठीक है सर, हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, अपनी आवाज जा रही है उसमें। मैं इस वक्त ये सवाल भी बहुत जरूरी है, राहुल गांधी के माफीनामे पे आप क्या कहेंगे? एक तरफ वो लगातार चौकीदार चोर है के नारे से लोगों को, चौकीदार चोर है के नारे से वो लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे, दूसरी तरफ वो माफी भी मांग लेते हैं, फिर वापस वो यही बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है कि साहब आपको स्वतंत्रता है बोलने के, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी देता है। आप उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, आप उस जिम्मेदारी को भूल कर आप बेसिक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कायदा होता है, उसका उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाएंगे। ये झूठ की मशीन है, कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोला है, जोर से बोला है और बार बार बोला है, और झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। ये जातिवाद करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, और झूठ में पकड़े गए।
हमने नहीं इनको माफी मांगने के लिए बोला, इनको सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए बोला है, कोई कम संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माफी लेने के लिए बोला है। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसे झूठ है जिनको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए राजनीति में क्या है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं, कुछ बोल रहा है हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो आपको मानना पड़ेगा ना कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है वहां पे देश के सामने। सर आप प्लीज शांति से बैठ जाइए। सर सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। जब हम देश की उन्नति, देश की प्रगति की बात करते हैं, राहुल गांधी जी इस वक्त एक और नारे के साथ हैं। वो कह रहे हैं, आपने कहा अब होगा न्याय पे, तो आपने बात रखी दी, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त चुनौती महागठबंधन भी है। इस वक्त चुनौती ये है कि बीजेपी की दलित, आदिवासी और मुसलमानों में लोकप्रियता और कम हो गई है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहली बार किसी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम करा। आप देखिए जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, मतलब इतने सालों से कांग्रेस ने, और ये तो इनका वोट बैंक था, उसके बावजूद भी क्या इन्होंने सिंपल मानवता जो होती है, एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म होता है, एक सिंपल मानवता, उसको भी नहीं ये पहचान पाए। इतनी मुश्किलों की का जीवन ये जीती हैं और उनको ट्रिपल तलाक दे दिया जाए तो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है, हमारे जो कायदे कानून है उसके विरुद्ध है। एक समानता होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, और समानता लाने के लिए पहली बार सामाजिक समानता होना चाहिए, और समानता के लिए ये कानून लेकर आए कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए काम करा। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, आप जैसे गैस सिलेंडर की योजना है, हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर योजना हर वर्ग के लिए है। मतलब मैं तैयार हूं कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन तब जब वो ये प्रूव कर पाए कि हमारी योजना सिर्फ एक खास वर्ग के लिए जा रही है, हमारी योजना सबके लिए जा रही है। हमारी जो सड़कों का विस्तार हो रहा है, यूपी के समय 11 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, हमारे समय 30 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत लेकर आए, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज दिया गया है 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। अब 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर शब्द शामिल है, तो ये बिल्कुल गलत है कि हम तुष्टिकरण करते हैं। हम बिल्कुल नहीं करते, हम तो तुष्टिकरण के खिलाफ है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। आरक्षण पर बहुत बहस हुई, चाहे वो सवर्ण आरक्षण को लेकर बहुत बहस हुई, सदन नहीं चलने दिया गया, लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आप एक खिलाड़ी रहे हैं, आप समानता और सामाजिक स्तर को कैसे ठीक किया जाए अच्छे से समझते हैं। देखिए बहुत क्या ये कुरीति है? मैं बताता हूँ आपको, बहुत लंबे समय से समाज के एक वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही थी, और इतने लंबे समय से, दशकों और सदियों से जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसमें आरक्षण लेकर आए, कानून से उनको ऊपर उठाने की कोशिश करी, और समाज के अंदर एक समानता आए ये उम्मीद रखी कि जब इनको इकोनॉमिकली एक हायर स्टेटस मिलेगा तो समाज में एक समानता आएगी। और इसी कारण से बाबा साहब अम्बेडकर ये लेकर आए, और तब से प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए ये संविधान एक ग्रंथ के बराबर है, और जो संविधान में लिखा है मैं उसको सर आँखों पर रखकर मैं उसको फॉलो करूँगा, और वही हम कर रहे हैं। हम 10% आरक्षण और लेकर आए हैं। ये बार बार झूठी खबरें चलाते हैं, मेरे पास तो उसका एक एविडेंस है, मेरे पास एक किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे दिखाया कि ये देखिए आपकी सरकार क्या करी है। मैंने ध्यान से देखा, उसमें एक नेशनल चैनल का टीवी का फोटोग्राफ लिया हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ये हटा दूंगा ऐसे करके, और आगे मोदी ऐसे लिखा जैसे मोदी जी ने कहा हो। मैंने कहा सूचना प्रसारण मंत्री तो मैं हूँ, मैं तो ये कई हमें तो पता भी नहीं है ऐसी कोई चीज़ है। मैंने तुरंत उस न्यूज़ चैनल को कॉल करा, वो भौचक्के रह गए, उन्होंने बोला ये गलत खबर है बिल्कुल। आप बिलीव करिए, ये कांग्रेस के राजस्थान के आईटी सेल वाले ने ये खबर डाली हुई थी, और उसके ऊपर उस चैनल ने FIR करी। ये झूठी खबरें चलाने के लिए नर माहिर है, मतलब किस तरह से लोगों को भ्रमित करो, किस तरह से लोगों को गुमराह करो। हम तो कह रहे हैं कि संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और संविधान को हम पूरा फॉलो करेंगे। हम तो 10% और आरक्षण लेकर आए जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। अब ये सरकार है राजस्थान की जो उसके ऊपर सर्टिफिकेट देने से मना कर रही है। बस 2-3 सवाल मेरे और हैं। एक तो ये कि छत्तीसगढ़
राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उससे कांग्रेस बहुत उत्साहित थे और फिर से एक बार चुनाव है और वो लोग बार बार ये दम भरते हैं, उन्हीं का आरोप है कि अगर हम विधानसभा में आ सकते हैं तो लोगों का हमारी तरफ रुझान है। आप क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव में चुनौती कितनी बड़ी रही? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर एजेंडा बिल्कुल अलग था और इसमें इस समय देश का चुनाव है। लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद नहीं ढूंढ रहे, लोग देश की सरकार चुन रहे हैं और देश की एक ऐसी सरकार चुन रहे हैं जो मजबूत सरकार हो, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आपने देखा हो तो मार्जिन तो बहुत ही कम था। है ना। छत्तीसगढ़ का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, मुझे उसका पता नहीं है। अब कांग्रेस का काम करने का तरीका देखिए, हाल ही में आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ऐसे बन गई है जैसे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी की पूरी ATM मशीन है, पैसे वहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे कांग्रेस को वहाँ से दिए जा रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये देशवासियों का पैसा है, वहाँ मध्य प्रदेश के निवासियों का पैसा है, कहीं ना कहीं वही है। तो ये गवर्नेंस की बात आती है। हमने सबसे बड़ा काम जो करा है वो इस देश के अंदर सुशासन ला के करा है, एक गवर्नेंस ला के करा है, एक बेहतर गवर्नेंस, ये बहुत फर्क है। आज घर घर में, यहाँ भले ही शोर मचे, या आज घर घर के अंदर, गाँव गाँव के अंदर अगर जनता जानती है और मन से चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएँ, वो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनको उनका चेहरा पसंद है, वो इसलिए बोल रही हैं कि उनमें उनको एक भविष्य नजर आता है, अपने बच्चों का भविष्य नजर आता है, इस देश का भविष्य नजर आता है। राजस्थान की 25 सीटों पे 2014 में 25 की 25 आपकी झोली में थी, उपचुनाव में दो सीटें छटकी भी, लेकिन इस वक्त 2019 में आपका टारगेट कितना और आप क्या समझते हैं कि 25 में से कितनी सीटें आपके पास? देखिए, ये सवाल एक आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, है ना। मैं जनरल नहीं हूँ जो पूरे के पूरे युद्ध भूमि को ऊपर से देख रहा हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ जिसको एक मोर्चा दिया हुआ है, मैं अपने मोर्चा संभाले हुए हूँ। जब कभी मेरे को अगर मुझे इतना लगेगी बाकी की तो मैं इसके ऊपर आंकड़ों पे बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है जो मोर्चा मैंने संभाला हुआ है वो मोर्चा मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने ज़बरदस्त रूप से संभाला हुआ है और वो मोर्चा कहीं नहीं जाने वाला। जहाँ तक बात रही माहौल की, माहौल मैंने आपको बोला कि बहुत शानदार, बहुत पॉजिटिव है, हर व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा है और इसीलिए कर रहा है कि वो जानते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर है, ये देश सुरक्षित हाथों में है, इस वजह से मोदी मोदी हो रहा है और उसमें उम्मीद है मेरे को कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आप ग्राउंड पर घूम रहे हैं और फील्ड में घूमने वाले इंसान को हमेशा पता होता है कि माहौल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस माहौल Thank you so much, sir.